दोस्तों कैसे हैं सब भाई। इंशाल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? परिंदे वगैरह ठीक है आपके? मौसम चेंज हो रहा है। नोविटी डॉट स्ट्रीन का कोर्स लाजमी करवा लें ताकि आपके जो परिंदे हैं वो बीमारियों से बचे रहें। पहले ही प्रिकॉशन कर लें तो फिर हमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ता और परिंदे बीमार नहीं होते, क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं आपको पता है तो फिर उनकी टेक केयर ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और ज़्यादा करनी पड़ती है। और पहले से ही अगर आप करते रहें हल्का फुल्का तो आपके जो परिंदे हैं वो फिट रहते हैं, बेहतरीन रहते हैं। और जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही नया परिंदा लेकर आया हूँ। ये उस्मान भट्ट साहब हैं, उनके घर से आई है। फीमेल लेकर आया हूँ, टैडी फीमेल लेकर आया हूँ। 18 नंबर मैंने आपको बताया था एक बच्चा मेरे पास जो लापरा वो बैठा G8 में 8 घंटे तक उगा हुआ था, ये उसी की बहन की बेटी आ गई। तो ये अमानतन लेकर आया हूँ कि इससे मैं 2-3 ब्रीड लूँगा और उसके बाद मैं यमपुर वापस कर दूँगा। और अमानतन एक दूसरे के चलता रहता है और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगले के जारी पता है दिल के कबूतर हम लेकर आते हैं जो उन्होंने बड़ी अपने लिए ब्रीडिंग के लिए रोके होते हैं। तो अगर हम ला के उनके वापस ना दें तो फिर वो अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं है। तो कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ लेन देन आप रखा हो तो जो कमिटमेंट है उस पर आप पूरा उतरें। आए दोस्तों, इसकी आइस का, इसके परों का, इसका मैं आपको शो करवाता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही शानदार पटी है। देख लेना बस, ये देखे जी दोस्तों, माशाल्लाह इसकी आइस कितनी शानदार रोशन आइस हैं। और आइस के ऊपर देखे पलकों में कैसे आइस फिक्स हुई हुई है। और इसकी जो लेंस है, पुतली है जो जूम करती है, ये भी देखें। और उसके ऊपर भी रहेंगे माशाल्लाह, बहुत ही शानदार है। आइस क्लोजअप करें, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही रोशन और शानदार आइज़ है। और पलकों में आइज़ देखें कैसे फिक्स हैं। इसकी आइज़ जो है वाइट और पिंक टाइप है। और ये उनके घर की ब्रीड में से माशाल्लाह इसके बहन भाई वहाँ पे बहुत अच्छे मनामा में उठ रहे हैं इनके पास ना। और इसके पर देखें, ये पर मैंने इसके खुद काटे हैं क्योंकि ये इतनी तेज़ है फीमेल कि अगर वीड में होती है तो मुझे देख के खुडे में चल जाती है, और अगर मैं खुडे के दरवाजे की तरफ जाता हूँ तो वो दूसरे खुडे में भाग जाती है। असल में मैंने दोनों खुडों के दरमियान में ना एक होल कर दिया ताकि ना वो उड़ने वाले तो मेरे पास हैं ही मुख्तसर हैं, तो मैंने उनको जोड़े लगा दिया था जो बहुत अच्छा उड़ते रहे पूरा सीज़न। तो इस वजह से ना फिर इसको मैंने काट दिया क्योंकि ये बहुत तेज़ है, ये अंदर से भी मुश्किल से पकड़ी जाती है। विड से भाग के खुडे में पहले मैं चल जाती है, अगर वहाँ देखूँ तो दूसरे खुडे में भाग जाती है। बस ऐसे ही ये आँख भी चोली करती रहती है। और पर देखें क्या तिखे पर हैं नोकों वाले, माशाल्लाह बहुत शानदार पर हैं। ये इसकी दूसरी साइड का देखें कुंदा, सेम पैटर्न है परों का। और माशाल्लाह ये देखें टेल भी अच्छी बंद है, पंजे देखें माशाल्लाह। और ये उनके घर की 37 नंबर ब्रीड है टैडियों के जोड़ों में से ना, ये माशाल्लाह इसकी बहन भी बहुत उजे हैं। ये जी इसकी पूरे बलतर है और माशाल्लाह हड्डी भी बड़ी शानदार है, वो भी पूरी कश्ती नुमा हड्डी जिस तरह मैं कहता था, साथ ही मुलायम और तंग जोड़ है। ये जी माशाल्लाह इसका पूरा व्यू है और देखें बहुत ही शानदार है। ये देखिए जी माशाल्लाह। ये दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को ये बहुत अच्छी लगेगी। तो जो तो परख रखते हैं उनको पता लग जाएगा कि माशाल्लाह ये बहुत ही शानदार और नया परिंदा है। और ये उड़ाया उड़ाया कोई नहीं, क्योंकि इसके बहन भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ रहे हैं और अगले बस आप और G8 में उन्होंने उड़ना है। उनको कपड़े डाल के भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग दे रहे हैं और नाइट पर भी लगा रहे हैं, आपने देखा था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसके जो इस पट्टी की जो माँ है और जो 18 नंबर, ये दोनों बहन भाई थे। अब अगर मैंने जो सोचा है ना, इसको 18 नंबर का जो मेरे पास पट्टा पड़ा हुआ है ना, जो मैंने ब्रीडिंग के लिए रोका हुआ था, उसके साथ ही इसको मैंने लगाना है। और अभी तक इसका पेड़ इसलिए नहीं मैंने लगा रहा हूँ कि ज़रा ये मौसम ठंडा है, पहली धार की ये पट्टी है वो भी पट्टा है, तो ज़रा अभी मानूस भी हो जाए कुछ खुदे में कि पहले 3 दिन तो उसने दाना ही नहीं खाया, खाती नहीं थी दाना, बस एक कोने में बैठी रहती थी। अब शुक्र अल्लाह का कि ये खाना शुरू हो गई है और इसने अपना ऐसा ऐसा दिल लगा रही है, खुदे की पहचान भी हो गई है इसको। तो बस मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। आगे ठंड भी है और नए पट्टी पट्टी को कोशिश करनी चाहिए कि जब शदीद ठंड आने वाली हो ना तो उससे पहले जोड़ा मत लगाएं, उसके बाद अब लगा लें। नए पट्टे पट्टियाँ होती हैं, अंडे दे भी दे तो बैठते नहीं, बच्चे भी से इतना पालते हैं,
तो सीज़न में पलवा लेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ले दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, नए दोस्त सब्सक्राइब करें, बेल के बटन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जो नोटिफिकेशन मिलता रहे आप देखते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।